हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो हमारे तमाम हिंदू फ्रेंड्स को हैप्पी होली। एंजॉय कीजिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और हमें पिक्चर्स फेसबुक पे भेजना मत भूलिएगा। ये देखें कुछ पाकिस्तानी हिंदूज होली सेलिब्रेट करते हुए। ये बहुत ज़बरदस्त पिक्चर्स हैं इनकी, एंड दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट होली इन पाकिस्तान। तो मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर हिंदूज आपके एरियाज में रहते हैं और उनको आपकी ज़रूरत है तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, और उनको ये त्यौहार भरपूर तरीके से मनाने में उनकी हेल्प कीजिए। इसके अलावा आज हम वाइट विजन में लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी, जिसको सुन के आपका खून दुगना हो जाएगा। समीना बेग, वर्ल्ड फेमस माउंटेनियर जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, आप बहुत से लोगों ने उनका नाम सुना होगा। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें अपने एक प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेशनल गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो वाइट साइड की तरफ से समीना बेग को बहुत बहुत मुबारक। वाइट साइड इसी तरह इन अमेजिंग पाकिस्तानियों को कवर करता रहेगा, और जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नेगलेक्ट करता है, जिनको जरदारी और नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इश्यूज तो दूर की बात है मुल्क के। एज अ नेशनल गुडविल एम्बेसडर ऑफ UNDP, समीना बेग इस सिलसिले में पाकिस्तान भर में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगी, जैसा कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और वुमेन एम्पावरमेंट। समीना वो वाहिद पाकिस्तानी है जो दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हर कॉन्टिनेंट में एक एक समिट उन्होंने कैप्चर की हुई है, यानी 7 डिफरेंट समिट्स, इंक्लूडिंग द मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका, जहां पे एवरेज टेम्परेचर -80 होता है। और ये सारी चोटियां समीना ने सिर्फ 23 साल की उम्र में कैप्चर कर ली थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और दुनिया की लार्जेस्ट पीक माउंटेन एवरेस्ट को भी उन्होंने सर किया हुआ है, और वो सबसे कम उम्र मुस्लिम खातून थी जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। समीना का खुद ताल्लुक पाकिस्तान के एक बहुत ही रिमोट विलेज से, शिमशाल विलेज, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप गूगल कीजिएगा जरा, कुछ तस्वीरें तो हम आपको ये दिखा रहे हैं। जब आप में से बहुत से लोग तो खुजराब पास गए होंगे कराक्रम हाईवे के थ्रू, तो जब पासू एक जगह आती है, बहुत खूबसूरत जगह आती है, तो वहां से जब जो सीधा है, जो तो खुजराब जाते हैं वो तो निकल जाते हैं सीधा, लेकिन वहां से एक राइट टर्न आता है जो कि शिमशाल विलेज की तरफ निकलता है। तो वहाँ से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव है, तो आप शिमशाल पास तक पहुँचते हैं। और 2003 से पहले शिमशाल विलेज का किसी ने नाम भी नहीं सुना हुआ था, क्योंकि कोई सड़क थी नहीं कि कोई जिस पर गाड़ियाँ आ जा सकती थी, सिर्फ खचरों पर सफ़र होता था। तो जब नई KKH की तमीर का आगाज़ हुआ, उसके साथ ही 1987 में रोड का आगाज़ हुआ पासू से लेकर शिमशाल तक, और वो 18 साल की शदीद मेहनत के बाद वो सड़क तैयार हुई। अब हम शिमशाल तक जा सकते हैं। काफ़ी अभी भी बहुत डेंजरस रास्ता है, बड़े एडवेंचर लविंग लोग ही जा सकते हैं उस रास्ते पे, लेकिन आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाइएगा। पासू तक तो हम लोग भी गए हैं, खुजराब तक आगे गए हैं, लेकिन राइट टर्न नहीं लिया, उस वक्त हमें शायद पता भी नहीं था। तो शिमशाल अभी खबरों में आना शुरू हुआ है ये समीना बेग की वजह से, और इनके ब्रदर भी माउंटेनियर हैं बहुत ज़बरदस्त। इस तरह ये बहुत अमेजिंग लोग हैं जिन्होंने इतने दूर इलाकों में भी बैठ के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जो बड़े शहरों में रहते हैं उनको तो फिर किसी एक्सक्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई एक्सक्यूज़ बनता ही नहीं है। अगर एक बंदा जिसके इलाके में ना बिजली है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना इंटरनेट है, ना कुछ भी नहीं है, वो अगर इतने बड़े काम कर सकता है, तो हम लोगों को फिर किस चीज़ का एक्सक्यूज़। वीडियो बनाते बनाते भी 2-3 अच्छी न्यूज़ सामने आई है, लेकिन वो हम शेयर करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ऐसा करने से रोकेगा। पाकिस्तान का ये फेस दिखाएं दुनिया को, एंड समीना बेग, वेल डन। वाइट साइड इसी तरह पाकिस्तान के बारे में आपको अमेजिंग स्टोरीज बताता रहेगा। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही वो घंटी का बटन भी दबा लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। और इसके अलावा बहुत से जिगर्स का ये फीडबैक आ रहा है कि जो इस वक्त सीरिया का क्राइसिस बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया, एक नई तबाही की जो लहर पैदा हुई है, तो उस पर कोई वीडियो बनाए। तो इंशाल्लाह ये काफ़ी एक रिसर्च तलब टॉपिक है, तो हम इस पर कम्प्लीट फैक्ट्स के साथ आएंगे। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे। थैंक्स फॉर द फीडबैक, और इसी तरह आप फीडबैक देते रहिए।